अच्छा स्थान है पागलखाना, और मुझे लगता है कि जब से आगरा का और सादरा का पागलखाना बंद हुआ है, सारे के सारे पागलों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कभी टिप्पणी करने का काम करते हैं नवीन जिंदल, कभी नूपुर शर्मा, और कभी अभी आपके ये टी राजा। क्या ये इनका मकसद पॉपुलरिटी कमाने का? और टी राजा का ये बयान कोई पहली बार नहीं है, टी राजा ने आज बयान पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दिया है। इससे पहले वो बयान दे चुके हैं, जो यूपी इलेक्शन था उसके ऊपर दे चुके हैं कि कोई अगर व्यक्ति अगर योगी जी को वोट नहीं देगा तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अरे आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले बना के गए हैं क्या घर हमारा, जो आप बुलडोजर चला देंगे? नहीं देते वोट, कर लीजिए क्या करना है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। कर्नाटक की जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है, और कर्नाटक की स्थिति इस कदर खराब है कि कर्नाटक की जो जनता है, कर्नाटक की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार रही है, चाहे कर्नाटक की जनता हो चाहे गुजरात की जनता, वन बाय वन करके एक एक मुद्दा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो देश के अंदर घटित हो रही हैं, ये सारी चीज़ें प्री प्लान है और एक मकसद के साथ की जा रही हैं, और मकसद सिर्फ एक है, देश की कुर्सी को किसी भी प्रकार से हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी, आप इसका नाम रख लीजिए भड़काऊ भाषण वाली पार्टी या फिर बेहुदा लोगों की पार्टी, अर्थ तो एक ही है इनका। लेकिन पार्टी ने तो खुद को उनसे अलग कर लिया ना, पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और 10 दिनों के अंदर जवाबदेही भी मांगी। देखिए पार्टी ने सस्पेंड किया है अभी, ठीक है ना, और जब अगर पार्टी उनको हटाती है तो मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह कि इस प्रकार का बयान जो है देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही ऐसा शर्मनाक कर देने वाला बयान है। अभी भारत देश की जो छवि है, मैं आज सवाल देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर इस प्रकार से विवादित बयान दिए जाते हैं तो आखिर आप कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते कि दोबारा कोई और व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने की हिमाकत ना कर सके। अगर कल को कोई मुसलमान व्यक्ति खड़े होकर हमारे महादेव के लिए उल्टा बोलेगा तो देश के समाज के सभी लोग मिलकर बोलेंगे, चाहे वो मुसलमान भाई हों, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, सब लोग मिलकर बोलेंगे कि इस मुसलमान को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। तो आज अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कोई टिप्पणी करता है तो मेरा और आपका सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और देश के कानून और न्यायपालिका से मैं ये उम्मीद और आशा रखता हूँ कि देश के कानून और न्यायपालिका टी राजा सिंह जैसे लोगों के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई करेगी कि दोबारा कोई और व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे फिर वो वाहे गुरु हो, चाहे वो जीजस हो, चाहे फिर वो हर हर महादेव ही क्यों ना हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी मजहब के ऊपर कोई भी विवादित टिप्पणी ना कर सके। यही बात तो टी राजा का भी कहना है, उनका कहना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और मुनव्वर फारूकी जिनको लेकर पहले भी बीजेपी के कई नेता सामने आ चुके हैं और उनकी वजह से कई महीनों की सजा भी हुई है मुनव्वर फारूकी को, उनका शो था हैदराबाद में जिसे वो नहीं होने देना। बोलने से अगर हो जाए ना कुछ भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैंने कह दिया कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, कोर्ट में क्या चलता है? एविडेंस और प्रूफ। देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए।